किरोड़ीलाल बैसला हमारे पास आए और सभी समाज का, सभी वर्गों का जबरदस्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। अभी जो पहले राउंड में 13 सीटों का चुनाव हुआ है, हमें पूरा यकीन है कि 13 के 13 सीटें हम जीत रहे हैं। और यह कांग्रेस भी रियलाइज कर चुकी है, अब जो दूसरी फेज होगी उसमें भी 12 के 12 सीटें हम जीतेंगे, 25 सीटों का पिछला रिकॉर्ड हम कायम रखेंगे और एक जबरदस्त विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। देश भर में इस बार 300 के पार सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि देश भर में किन्हीं किसी भी 10 लोगों को पूछिए तो 8 लोग मोदी जी का नाम लेते हैं, क्योंकि नेतृत्व दमदार, मजबूत, प्रामाणिक, लगातार मेहनत करने वाले, देश का गौरव बढ़ाने वाले, एक अद्भुत प्रतिभा के धनी, लगन, मेहनत, प्रतिभा, इसके लिए नेतृत्व के रूप में आम जनता मोदी जी को पसंद करती है। और मोदी जी के सामने कौन है? राहुल, मायावती, अखिलेश, ममता, चंद्रबाबू, देवेगौड़ा, शरद पवार, जनता को कोई भी प्रेरणा नहीं दे सकता। और इसलिए मोदी जी के गुणों के कारण, काम के कारण लोगों ने नेतृत्व मोदी जी का स्वीकार किया। लोगों के सामने मुद्दा था कि देश को सुरक्षित कौन रखेगा। उन्होंने कांग्रेस का राज देखा है, बाकी भी राज देखे हैं और मोदी जी का दम देखा है, और इसलिए देश को सुरक्षित रखना और देश की तरक्की कौन करेगा, तो सुरक्षा, नेतृत्व और तरक्की तीनों मायनों पर मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, और इसलिए हमें 300 से भी ज्यादा सीटें मिलेगी, एक जबरदस्त सफलता मिलेगी। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में राहुल गांधी ने की और उसमें अनेक आरोप लगाए, इंस्टीट्यूशंस पर हमला हो रहा है। इंस्टीट्यूशन पर हमला तो कांग्रेस के जमाने में हुआ, आपातकाल लाकर उन्होंने संविधान समाप्त किया, सारी इंस्टीट्यूशंस तबाह किए, ये लोग आज इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण। आपको कुछ, भाई साहब आपको महत्वपूर्ण है तो यहां आइए। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को धमकाना, इम्पीचमेंट की थ्रेट देना, ये कांग्रेस का चरित्र है। और सीबीआई जो मंत्रालय से चलाते थे, सारे इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने तहस नहस किया, वो हम पर आरोप लगाते, लोग ऐसे झूठे आरोपों को स्वीकार नहीं करते। और कांग्रेस के यूपीए सरकार की देन क्या थी? 2G, CWG, जीजाजी, कोयला, यानी आकाश, पाताल, नभ, वायु, समुंदर, पानी, सब में भ्रष्टाचार करके दिखाया। हेलीकॉप्टर भी, सबमरीन।